नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वलसाड में एक गैरेज संचालक और ग्राहक के बीच हाथों और जूतों की मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। सिलवासा में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान केंद्रों की तैयारियों का डीआईजी एसपी सहित पुलिस टीम ने निरीक्षण किया। पारडी तालुका पंचायत कार्यालय के सामने झील के किनारे मिले शव की पहचान कपराड़ा के नेमला भाई पटेल के रूप में हुई। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। वलसाड में एक गैरेज संचालक और ग्राहक के बीच हाथों और जूतों की मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। वलसाड के मुख्य मार्ग पर सिटी पुलिस स्टेशन के पास स्थित हाजी मार्केट में गायत्री ऑटो सेंटर नामक गैराज के संचालक की एक ग्राहक के साथ गाड़ी के सर्विस को लेकर बहस हो गई थी, जिसके बाद मामला गंभीर हो गया। गैराज संचालक ने ग्राहक को हाथ और जूते से मारा। हालांकि इस घटना में आसपास के दुकानदारों और राहगीरों ने घटनास्थल पर दौड़कर मामले को शांत कराया, लेकिन आसपास के दुकानदारों से मिली जानकारी के अनुसार इस गैराज संचालक द्वारा अक्सर ग्राहकों के साथ बहस होती रहती है। सिलवासा में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान केंद्रों की तैयारियों का डीआईजी एसपी सहित पुलिस टीम ने निरीक्षण किया। दादरा और नगर हवेली सिलवासा में लोकसभा चुनावों के संदर्भ में विभिन्न तैयारियां चल रही है। लोकसभा चुनावों के अब कुछ ही दिन बाकी है, इसलिए पुलिस विभाग और प्रशासनिक तंत्र द्वारा तैयारियां की जा रही है। चुनाव की निगरानी के लिए दानह दमन दीव के डीआईजी एसपी सहित पुलिस की टीम ने प्रदेश के विभिन्न मतदान केंद्रों की तैयारियों का निरीक्षण किया। डीआईजी ने जरूरी दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही मतदाताओं से निर्भीकता पूर्वक मतदान करने की अपील की गई। पारडी तालुका पंचायत कार्यालय के सामने झील के किनारे मिले शव की पहचान कपराड़ा के नेमला भाई पटेल के रूप में हुई। पारडी तालुका पंचायत कार्यालय के सामने वेलपरवा रोड पर स्थित नानी मसानी वाड़ी के पास तालाब की पाल पर खुले मैदान में एक अज्ञात 60 से 65 वर्षीय पुरुष का शव मिला था, जिस पर पारडी पुलिस ने कब्जा कर आगे की जाँच शुरू की है। वृद्ध की पहचान कपराड़ा तालुका के धोधड़ कुआ स्कूल फलिया के नेमला भाई छगन भाई पटेल के रूप में हुई थी। पारडी पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के शव को पारडी सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की जांच शुरू की। धर्मपुर तालुका के लाकड़माल गांव से 5 बैलगाड़ियों में बारात निकलते देख लोग हैरान रह गए। आदिवासी परंपरा को बनाए रखने के लिए युवक आधुनिक समय की प्रथा को दरकिनार करते हुए बैलगाड़ी में बारात लेकर शादी करने के लिए अपने घर से लड़की के गांव पहुंचे, जिसे देखकर कई लोग हैरान रह गए। रास्ते से गुजरते कई लोग बैलगाड़ी में निकलती हुई बारात देखकर रुक गए और रास्ते में खड़े होकर मोबाइल में तस्वीरें लेते नजर आए। लगभग 5 बैलगाड़ियों में निकले बाराती भी शादी में खुशी खुशी शामिल होते नजर आए। हिरेन पटेल नामक युवक ने आदिवासी परंपरा को बनाए रखते हुए लोगों के सामने बैलगाड़ी में बारात ले जाकर एक अनोखा उदाहरण पेश किया है। भाभी जबरी लाइवो रे।
खरीदारी में मंदी आने से साइकिल से भरके बेचने वालों की हालत खराब हो गई है। गर्मी शुरू होते ही लोग ठंडे पेय का उपयोग कर रहे हैं। गर्मी से बचने के लिए लोग एसी, पंखे, कूलर का भी उपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा अब तो हर घर में फ्रिज उपलब्ध है, जिससे गर्मियों में भी ठंडा पानी उपलब्ध रहता है। इसके कारण अब लोग मटके की खरीदारी कम कर रहे हैं। वलसाड जिले सहित वापी और आसपास के ग्रामीण इलाकों में फूलदान के गमले सहित पानी के मटके बेचने वाले छोटे बड़े खुदरा व्यापारी देखे जा रहे हैं। जरूरतमंद लोग मटके की खरीदारी करते हैं। वापी क्षेत्र में छोटी तीपहिया साइकिल में गमले सहित मटके भरकर बेचने वाले कहीं न कहीं देखे जा रहे हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि अब हर घर में फ्रिज उपलब्ध होने के कारण लोग देसी फ्रिज यानी कि मटके की खरीदारी नहीं करते हैं, और कहीं कुछ छोटे बड़े ऑफिस या घर होते हैं जो कभी कभी मटके की खरीदारी करते देखे जाते हैं। दिन भर में कभी कभी मटके की खरीदारी कम मात्रा में होने से साइकिल से मटके बेचने वालों की हालत भी खराब हो रही है। सिलवासा में पुलिस ने वाहन चेकिंग के बीच लोकसभा चुनाव को लेकर फ्लैग मार्च करके लोगों को सुरक्षा का एहसास कराया। सिलवासा में लोकसभा चुनाव के दौरान पुलिस द्वारा वाहनों की चेकिंग और फ्लैग मार्च जारी है। तब पुलिस आईआरबी द्वारा पुलिस स्टेशन से झंडा चौक, सिलवानी नाका, पंचमुखी हनुमान जी महाराज मंदिर, बस्तर फलिया, बाल भवन आर्ट सेंटर तक फ्लैग मार्च करके पुलिस स्टेशन पर समापन किया गया। छाती पर राइफल और हाथ में डंडा लेकर पुलिस आईआरबी के जवानों ने उत्साहपूर्वक पैदल मार्च किया। पुलिस ने फ्लैग मार्च करके लोगों में सुरक्षा की भावना जगाई है। कुछ अंतराल के बाद फरवरी से पुलिस फ्लैग मार्च जारी है। चुनाव के मौसम में पुलिस अवैध शराब, निर्धारित सीमा से अधिक रकम की हेरफेर और वाहनों में काले शीशे आदि की जांच में व्यस्त है। पुलिस तंत्र द्वारा लोगों से आवागमन के समय नियमों का पालन करने की अपील भी की गई है। समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। वलसाड में एक गैरेज संचालक और ग्राहक के बीच हाथों और जूतों की मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। सिलवासा में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान केंद्रों की तैयारियों का डीआईजी एसपी सहित पुलिस टीम ने निरीक्षण किया। पारडी तालुका पंचायत कार्यालय के सामने झील के किनारे मिले शव की पहचान कपराड़ा के नेमला भाई पटेल के रूप में हुई। तो ये थी अब तक की खबरें। फिर मिलते हैं और खबरों के साथ। देखते रहिए दमन न्यूज़। नमस्कार।